वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि यूटिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, तो वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे कि हाँ यूटिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं। हमें यूटिलिटी ये पढ़ने को मतलब क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम जब आगे करके DMU, लॉ ऑफ DMU पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये एग्ज़ाम में आते ही आता है। बोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना, 10 में से 8 बार लॉ ऑफ DMU देती है, और या तो सॉरी 10 में से 8 बार नहीं, हमारे पास 3 लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ DMU। इन तीनों में से कोई ना कोई 10 में से 8 बार या 10 में से 9 बार ऐसे ही रहता है। तो ये 3 लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाऊँगी और मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी ना कि आपको 10 में से 8 मार्क्स उसमें मिल जाएगी, आपको इतने अच्छे से समझेगा। और वो तो आपके ऊपर है ना, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो 10 में से 10 भी मिल सकते। तो अभी हम ये आते कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का इकोनॉमिक में डेफिनेशन क्या दिया गया है, यूटिलिटी इज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी की एक ह्यूमन को कि वॉन्ट को सेटिस्फाई करने की पावर। जैसे एक पेन हमारे वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से वॉन्ट को, लिखने वाले, या कोई भी प्रोडक्ट हमारे किसी ना किसी ज़रूरत को जब पूरा करता है तो वो प्रोडक्ट में वो ज़रूरत को पूरे करने की जो पावर है, क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ओवरऑल ये होता है। तो यूटिलिटी में हमारे पास क्या बोला है कि अलग अलग टाइप की यूटिलिटी होती है। मतलब फॉर्म यूटिलिटी, सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी में क्या हो रहा है कि यहाँ क्या होगा, फॉर्म चेंज होने की वजह से यूटिलिटी क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी, या तो कम होएगी या तो ज़्यादा होएगी, बट फॉर्म चेंज होने की वजह से यूटिलिटी चेंज हो रही है। अब वो कैसे, अब यहाँ क्या होता है कि अगर समझो लकड़ी है, मतलब पेड़ से जब हम लकड़ी काट कर लाते हैं तो वो नॉर्मल लकड़ी रहती है, राइट, पेड़ की लकड़ियाँ। अब उसमें क्या होता है, वुड। अब उन लकड़ी को हम लोग जब क्या करेंगे, लकड़ी से फर्नीचर बना देते हैं, बेड बनाते हैं, अलग अलग सारे फर्नीचर बनाते, तो वो जो उस लकड़ी की, जब वो सिर्फ लकड़ी थी, मतलब उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी क्या थी, जलाने के काम आती होगी या कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा काम आ जाती होगी, राइट। बट उसी लकड़ी को जब हमने उसका फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फर्नीचर बनाया, सोफ़ा, बेड, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, अब उस लकड़ी की, अभी फॉर्म उसका चेंज हो गया तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब हमें उसकी ज़रूरत ज़्यादा है सिर्फ फॉर्म चेंज होने की वजह से। या तो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कपड़ों का, जो मतलब नॉर्मल फैब्रिक कपड़े रहते हैं, राइट, वो कपड़े का सिर्फ अगर प्लेन कपड़ा रहता है तो हमारे पास उसकी ज़रूरत क्या रहती है, या चादर बनाने की या कुछ ना कुछ तरीके से काम आता है, राइट। लेकिन उन कपड़ों को जब ड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग न्यू न्यू स्टाइल के, मतलब डिज़ाइनर लोग उसको अलग अलग स्टाइल की ड्रेस बनाते हैं, उसके बाद उस ड्रेस की जो रहती है यूटिलिटी बढ़ जाती है हमारी वॉन्ट को सेटिस्फाई करने की। इसी तरीके से जब फॉर्म चेंज होता है, प्लास्टिक को, सिर्फ प्लास्टिक की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जब वो प्लास्टिक एक हैंड बैग में कन्वर्ट होता है या फिर टॉयस में कन्वर्ट होता है, तो इस तरीके से फॉर्म चेंज होने की वजह से यूटिलिटी चेंज हो रही है। तो ये पहला हो गया कि फॉर्म यूटिलिटी, जब हम कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज होने की वजह से यूटिलिटी चेंज होती है तो उसे हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ प्लेस चेंज होने की वजह से किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी चेंज हो रही है। एग्जाम्पल सबसे हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो कश्मीर में जितना कश्मीर के एप्पल्स सबने ना बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो कश्मीर के सेब की डिमांड कश्मीर को छोड़ के और सारी जगह पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी हम लोग बोलेंगे वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी यहाँ है। या हम लोग बोल सकते ऊनी कपड़े की डिमांड मुंबई में, एग्जाम्पल लो मुंबई में कब होती है, यहाँ होती है हमारी ठंडी के टाइम पे, विंटर सीजन, राइट, बट कश्मीर में ऊनी कपड़े की डिमांड हरदम रहेगी। तो यहाँ प्लेस चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है वो प्रोडक्ट की। तो
तो ये होती है प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद हमारा आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी से क्या समझ में आता है? टाइम यूटिलिटी से समझ में आता है कि टाइम चेंज होने की वजह से किसी प्रोडक्ट की क्या हो रही है, यूटिलिटी चेंज हो रही है। वो कैसे? अभी कैसे समझो कि कोई प्रोडक्ट अम्ब्रेला ले लो, अम्ब्रेला का क्या है, अम्ब्रेला का टाइम बारिश का टाइम कब आता है? हमारा मंथ जून से लेकर अक्टूबर तक समझो ज़्यादातर, तो इस टाइम पे अम्ब्रेला की जो डिमांड रहेगी वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ। तो यहाँ क्या हो गया कि टाइम चेंज हो, अगर मैं विंटर में ठंडी के टाइम पे मैं लाकर अम्ब्रेला बेचूँगी तो उतनी डिमांड नहीं रहेगी। हाँ अच्छा रहेगा तो कोई बोलेगा हाँ मैं रख लेता हूँ, बारिश में काम आएगा, बट बारिश के टाइम पे बेचेंगे तो उस टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी क्योंकि मोस्टली सब लोग को तब ज़रूरत पड़ती है और लोग तब परचेस करते। इस तरीके से टाइम भी चेंज होने की वजह से यूटिलिटी, अगर प्रोडक्ट की चेंज हो रही है तो उसे हम टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। तो फिर हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब यहाँ क्या होता है, सर्विस चेंज होने की वजह से हमारी जो यूटिलिटी है वो चेंज हो रही है। अब सर्विस किसकी सर्विस, यहाँ जो सर्विस चेंज होती है वो सर्विस चेंज होती है हमारे समझो डॉक्टर। अब एक डॉक्टर की सर्विस अलग है, दूसरे डॉक्टर की सर्विस अलग है। सर्विस का मतलब मैं टीचर, अगर मैं आपको जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी तो सर्विस है ना। अब कुछ हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी है, ये डॉक्टर की दवा लेने से मैं ठीक हो जाती हूँ, मतलब मैं ठीक हो जाता हूँ, इनकी दवा मेरे को सूट होती है, जो भी ये बहुत अच्छी दवा देती है, तो हम लोग मोस्टली प्रिफर क्या करते हैं, उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसे ही सीन है कि इंसान की सर्विस, जैसे जिसकी सर्विस आपको बेस्ट लगेगी वहाँ आपको यूटिलिटी ज़्यादा लगेगी, और सर्विस अलग अलग होने की वजह से हमारी जो सर्विस भी है मतलब एक तरीके से उसकी यूटिलिटी आपको अलग लग रही है। तो डॉक्टर चाहे हम लॉयर या टीचर, सबकी एग्जांपल में यही हो रहा है कि हाँ अलग 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 इंसान होने की वजह से वो लोग अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसकी सर्विस आपको बेस्ट लगेगी, जहाँ आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही, आप वो प्रेफर करोगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में क्या हो रहा है कि किसी चीज़ की नॉलेज आपको पता होने की वजह से आपके लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ जा रही है। जैसे अब समझ लो आपने कभी स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया, अभी तो सब ने किया, बट फिर भी समझो अगर किसी बच्चे को पहले फ़ोन दिया जाए जो 10 साल का है, उसको नॉर्मल स्मार्टफोन दिया जाए, अभी तो सबको आता है, बट फिर भी समझो कि उसको फ़ोन दिया गया और उसको फ़ोन यूज़ ही नहीं करने आता है, उसको सिर्फ हमने सॉन्ग लगा के दे दिया या कोई गेम लगा के दे दिया, तो उसकी उस मोबाइल से उसे कौन सी यूटिलिटी मिलेगी? उसे बस इतना लगेगा ये मोबाइल है, गेम खेलने के काम आती है, कि हाँ मैं गेम खेल सकता हूँ, अच्छा है। बट जैसे जैसे उस चीज़ की नॉलेज उसको पता चलेगी या उसको पूरी नॉलेज समझ में आ जाएगी कि हाँ एक स्मार्टफोन से क्या क्या हो सकता है, हम लोग मूवीज़ देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सोशल मीडिया, मीन्स जब हमें पूरा ओवरऑल पता चल जाएगा कि हाँ वो फ़ोन और क्या क्या यूज़ में आता है, तब जाके उस पर्सन के लिए या उस बच्चे के लिए उस फ़ोन में जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी कि हाँ अब वो उसकी ज़्यादा वॉन्ट सेटिस्फाई कर रहा है हर एक तरीके से। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि नॉलेज की वजह से भी क्या हो रहा है, यूटिलिटी चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ क्या आ गया हमारा लास्ट, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि ओनरशिप चेंज होने की वजह से, जैसे समझ लो पोजीशन मतलब क्या हो गया कि उस चीज़ पे आपका अधिकार बनता है, मतलब आप उसके मालिक को लाइक ओनर। तो यहाँ क्या हो गया, अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपकी नहीं है तो आपके लिए उस प्रोडक्ट में उतनी ज़्यादा यूटिलिटी ऐसी नहीं लगेगी, या ऐसा रहेगा कि हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ बस उस काम के लिए मेरे को यूज़ करना है और यूज़ करके मुझे वापस देना। बट जब आप वो प्रोडक्ट आप ले लोगे, आप परचेस कर लोगे, सेलर से जब हम वो परचेस कर लेते हैं तो अब क्या हो जाता है, अब हम उसके ओनर हो जाते हैं, और तो पोजीशन चेंज होने की वजह से उस प्रोडक्ट पे हमारी यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कि हाँ अब तो मेरे को जितना जैसे यूज़ करना है मैं करूँगा अलग अलग तरीके से जैसे भी। तो यहाँ क्या हो गया कि यूटिलिटी पोजीशन चेंज होने की वजह से चेंज हुई है। तो यहाँ मतलब ओवरऑल ऐसा है कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में ये बताया गया कि
कि फॉर्म चेंज होने की वजह से, प्लेस चेंज होने की वजह से, टाइम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट की हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर। तो ये हो गया फॉर्म टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी अगर न्यू टॉपिक चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।